69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटाकर पुलिस वैन को इको गार्डन भेज दिया। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सीएम आवास तो कभी SC ERT तो कभी किसी मंत्री के घर के बाहर अपनी नियुक्ति को लेकर गुहार लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही उनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई है। इसके कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले में त्वरित समाधान निकाले और सभी 6800 चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करे।